दिस इज श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू दूटोरियलॉजी सो आज की क्लास तो देख लो भाई तीनों चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर तो आप सोचो कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज डू वॉच द फुल वीडियो क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रांस एग्जामिनेशन सो so, एक ही क्वेश्चन सो so, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है हमें सारे क्वेश्चन को देखना है ठीक है so, सो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए प्लीज़ वीडियो को देखो एंड और बातचीत नहीं करेंगे सेशन को स्टार्ट करेंगे मेगा सेशन है एकदम से एकदम पानी वानी लेके बैठो कवर करेंगे हम लोग सिक्सटी इंपॉर्टेंट एम ओके सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात अगर आप लोग ये चैनल पर नए हो और ये वीडियो पर नए हो देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर अगर आप लोग को और भी अच्छा करना है एग्जाम पे देन जल्दी से ज्वाइन हो जाओ हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे भी है जहाँ पे भी जाके आप लोग कनेक्ट हो सकते हो ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन क्वेश्चन नंबर वन एफ ई फ्रिज 1935 डिवाइडेड एलजी इनटू इन टू क्लासेस व्हाट ओके सो एफ ई फ्रिज जिनको कि क्या बोलते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलते हैं उन्होंने 1935 पे एल को डिवाइड किए थे तो एल को उन्होंने कितने क्लासेस पर डिवाइड किए थे वो पता करेंगे तो ऑप्शंस को देखो अच्छे से 11, 13, 20 और 5 तो एल को उन्होंने 11 क्लासेस पे डिवाइड किए थे सो ही द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे द रिज आर फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स ऑफ द क्लास क्लोरोफाइसी देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जी के जितनी क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी फैनोफाइसी रोडोफाइसी ये सारे की रिजर्व फूड मटेरियल को देख के जाना है ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन इनमें से एक मस्ट आता है क्वेश्चन ठीक है तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्लोरोफाइसी की रिजर्व फूड मटेरियल तो क्लोरो वर्ट इज देयर मींस दे आर ग्रीन इन कलर उनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो वो तो बात नहीं करेंगे हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल देखेंगे तो ऑप्शंस को देखो स्टार्च ग्लाइकोजेन लैमिनारियन और मैनिटॉल तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टार्च ओके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे द मोस्ट एबंडेंट कैरोटीन इन एल इज वॉट ओके सो एल पे जो मोस्ट एबंडेंट कैरोटीन रहता है वो क्या रहता है बीटा कैरोटीन या अल्फा कैरोटीन या लाइकोपीन या नन ऑफ दिस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज बीटा कैरोटीन ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अनदर नेम फॉर द क्लास सियानोफाइसी इज व्हाट तो सियानोफाइसी को और क्या बोलते हैं मिक्सोफाइसी क्लोरोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्जी और बोथ ए एंड बी तो यहाँ पे सियानो को क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन आलजीना और शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं बी जी ए है या नहीं सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव को इन विच ऑफ द क्लास ऑफ आलजी फ्लाजेला आर टोटली एब्सेंट तो आलजी की कौन से क्लास में फ्लाजेला बिल्कुल ही नहीं होते हैं टोटली totally एब्सेंट तो देखो तो ऑप्शन को अच्छे से फेोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी और बैसिलरियोफाइसी तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी ठीक है रोडोफाइसी पे फ्लाजेला नहीं होते हैं सो ही अदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉलॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है देखो जब तुम लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेम पे थे अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद है तो फर्स्ट चीज़ तुमने वॉलॉक्स को ही पढ़ा होगा लाइफ साइकिल ऑफ वॉलॉक्स ठीक है ना तो वॉलबॉक्स कौन से क्लास को बिलोंग करता है जल्दी से बताओ तो मुझे कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क रहा तुम लोगों के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जल्दी से मुझे लिख के बताओ कमेंट पे तो हम डिस्कशन अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन को क्वेश्चन नंबर सेवन इज द क्लास ऑफ एल विच हैज रेड पिगमेंट तो क्लास ऑफ एल जिसमें कि रेड पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं बहुत इजी वाला क्वेश्चन है फेओफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी और सैनोफाइसी तो रेड पिगमेंट है भाई रेड पिगमेंट है तो क्या बोलेंगे उसे आर फॉर रेड आर फॉर रोडोफाइसी देखो ट्रिक ट्रिक जान लो यहां पे आर 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 फॉर रेड आर फॉर रोडोफाइसी यदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट को द ग्रासिलारिया अल belongs बिलोंग्स टू द क्लास वॉट ओके सो यहाँ पे एक अल की नाम आपको दिया है ग्लासिलरिया ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है देखो यही सारे ही क्वेश्चन आएंगे जो क्लासेस है ना आल का उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है रिजर्व फॉर मटेरियल क्या है फिर उनके अंदर पिगमेंट क्या रहता है एंड उनकी थोड़ा बहुत दो तीन एग्जाम्पल भी याद कर लो ताकि एग्जाम्पल भी आप लोग को दिया होगा कि ये कौन से क्लासेस को बिलोंग करते हैं ठीक चलो ग्लासिलरिया कौन से क्लास के होंगे क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी सियानोफाइसी और बैसिलेरियोफाइसी तो ये आते हैं भाई रोडोफाइसी क्लासेस से ठीक है यदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो आंसर को अच्छे से नोट डाउन करते रहो ताकि जब टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ अपलोड होगा तो यहाँ से आंसर लेके आप वहाँ पे घर में और एक बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन आल बिलोंग्स टू द क्लास वॉट ओके ब्राउन आल जो क्लास को बिलोंग करते हैं वो कौन से क्लास होते हैं फेओफाइसी क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी या बैसेलेफाइसी तो यहाँ पे आंसर होगा क्या होगा आंसर हो जाएगा फेओफाइसी ठीक है ब्राउन आलजी बी फॉर ब्राउन पी फॉर फेओफाइसी वो रेड की तरह यहाँ पे नहीं होगा ठीक है यहाँ पे बी एंड पी बी पी ऐसे याद रख लो भाई बी पी बढ़ जा रहा है ये वाला क्वेश्चन देखे तो बी पी याद रख लो ब्राउन आल एंड फेओफाइसी ठीक सो यह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलो क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर टेन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड जितनी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रही हो डबल ट्रिपल शेयर होना चाहिए आप लोग को फ्रेंड्स अपने आपका जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सारे में वीडियो को शेयर करो ताकि वो बच्चों भी जान सके ये चैनल के बारे में एंड उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके ठीक है एंड और अच्छा करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को तो छोड़ना ही नहीं जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है क्योंकि बहुत जल्दी एक लाइव सेशन भी होने वाला है सो so, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स फाइट्स अभी बात आ गई ब्रायोफाइट्स की ठीक है अभी तक हमने एल जी की क्वेश्चन कर रहे थे अभी ब्रायोफाइट में से क्वेश्चन आ गया सो so, इनमें से ब्रायोफाइट्स नहीं है नॉट अ क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स देखो क्वेश्चन को अच्छे से पार्टिकॉप एडा तो ब्रायोफाइट्स की कौन सा वाला नहीं है एलेप्सोसीडा है या नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि ये जो ए बी एंड डी ये तीनों तो क्लासेस है ब्रायोफाइट्स के सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन अनदर नेम फॉर क्लास ब्रायोपसीडा तो क्लास ब्रायोपसीडा को और क्या बोलते हैं ऑप्शन को अच्छे से देखो तो मस्की क्लोरोफाइसी मालवासी और लाइकोफाइटा तो क्लोरोफाइसी तो भाई एल की बात कर करें एंड मालवासी इज अ टैक्सोनोमिकल फैमिली तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मस्सी दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को द मेम्बर्स ऑफ क्लास हे आर पॉपुलरली नोन एज वर्ट ओके तो यहाँ पे बात करा है हेपार्टिक ऑफ सीडा और एक फैमिली जो है ब्रायोफाइट्स की उनकी जो मेम्बर रहते हैं उनको और क्या बोलते हैं सो so यहाँ पे देखो ऑप्शंस को लीवर वर्ड्स मॉसेस हॉर्न वर्ड्स एंड फंस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है डिफरेंट एंट्रांस एग्जामिनेशन पे लीवर वोट्स किसे बोलते हैं या तो पूछा जाएगा यही वाला क्वेश्चन कि क्लास पार्टी ऑफ की जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें और क्या बोलते हैं सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीवर वोड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन को द स्पुरजियम ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोब्सीडा इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू वट ओके तो क्लास अच्छे से देखना कि कौ, कौन से क्लास की क्वेश्चन आ रहा है ठीक है क्लास ब्रायबसीडा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो पुरान रहते हैं और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर पे डिफ्रेंशिएट होते हैं वो होते हैं फूड, सेटा एंड कैप्सूल ओके ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन होंगे सो so हियर हम लोग ऑप्शन को लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोसेरोटॉपसीडा आर पॉपुलरली नोन एज वर्ड देखो फर्स्ट फर्स्ट में और एक क्वेश्चन था जो जिसका आंसर की लीवर वर्ड्स हो रहा था तो यहाँ पे बात कर कराए एंथोसेरोटोपसीडा की तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हॉर्न वर्ड्स एंड ये दोनों में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है अच्छे से याद कर लो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्न वर्ड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हेटेरोस्पोरेस प्लांट्स प्रोड्यूस व्हाट ओके तो हेटेरोस्पोरेस प्लांट्स हम किसे बोलेंगे तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ कि जहाँ पे मेगास्पोर दैट डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट एंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर दैट डेवलप इंटू अ मेल गेमेटोफाइट तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ओके जिसकी मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट को डेवलप करता होगा एंड माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट को डेवलप होगा उसी प्लांट को ही हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट सो ही द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वर्ट ये एक बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स को और क्या बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एम्फीबियस प्लांट्स और फेनेरोगैम्स जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन होम वर्क फॉर ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बताओ कि टेरिडो फाइट्स को क्या बोलते हैं ओके okay? चलो क्वेश्चन नंबर 17 टेरिडो फाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन द वर्ट तो टेरिडो फाइट एंड ब्रायोफाइट ये दोनों कैसे डिफर होते हैं आपस में एंड टेरिडो फाइट देखो क्वेश्चन को देखो फर्स्ट टर्म दिया है टेरिडो फाइट देन आता है ब्रायोफाइट तो आंसर में हमें ये ढूंढना है कि टेरिडो फाइट की स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होते हैं जिसके वजह से वो ब्रायोफाइट से कुछ अलग रहते हैं ठीक so, है सो टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, वर्स्कुलेचर आर्किगोनिया और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वस्कुलेचर ओके क्योंकि टेरिडोफाइट्स में वस्कुला स्ट्रक्चर डेवलप रहता है जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं होता इसलिए इसको वस्कुला क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं सो यदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन को वेन अ प्लांट प्रोड्यूसेज टू काइंड ऑफ स्पोर द कंडीशन इज नोन एज वॉट जब एक प्लांट दो तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए दो लिखा है ना और दो स्पोर्स अल, अलग अलग होते हैं एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगा स्पोर तो दो स्पोर्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है तो डिफरेंट रहेगा तो हेटेरो वर्ड आ जाएगा ना अगर दो स्पोर्स सेम रहते तो होमोस्पोरी होता माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर कभी तो इक्वल स्ट्रक्चर के नहीं होंगे उनके बीच बहुत डिफरेंसेस रहता है इसीलिए वो कंडीशन को बोलते हैं सो सोहदा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, इक्वी सेटम इज कॉमनली नोन एज व्हाट और कॉमनली कोल्ड कॉल्ड एज वॉट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इक्विसेटम को क्या बोलते हैं इक्विशम को बोलते हैं हर्स टेल ठीक है जल्दी से आज जाके अगर स्ट्रक्चर नहीं देखे हो तो कितना सुंदर वाला स्ट्रक्चर है इक्वि का थोड़ा सा नेट पे क्लिक करके देख लो तो कि उसे हॉर्स स्टेल बोलते हैं एंड तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर रहता है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्पोरोफाइट ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस वट तो फर्न की बात करें यहाँ पे फर्न फर्म की जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, क्योंकि स्पोरोफाइट वर्ड है मीन्स वो किसे प्रोड्यूस करेंगे वो तो स्पोर को ही प्रोड्यूस करेंगे ना सो द ऑप्शन नंबर बी इज करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन स्पोरशिया इन फर्स इज कवर्ड बाई ओके तो फर्न की जो स्पुरजिया रहते हैं वो कवर करके उनको एक स्ट्रक्चर कवर किया रहता है तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर होगा इंडुसियम ओके इंडियम जो कि ऑप्शन नंबर डी है सो so लिख लो नोट no डाउन कर लो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द टलेट टेरिडोफाइट ये भी बहुत बार आ चुका है पे मैं बोल रही हूँ ये वाला आएगा एग्जाम पे. द टलेस टेरिडोफाइट इज वॉट टेरिडोफाइट में सबसे लंबा वाला सबसे ऊंचा वाला प्लांट कौन सा है तो ऑप्शंस को देखो एल्सोफीला एजोला एडियनटम और सैथिय सियाथिया दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन फर्न्स वी फाइंड वॉट ओके तो फर्ंस में इनमें से कौन सा वाला स्ट्रक्चर रहता है सोरे सोराई ऑन डोसल सॉर्फिस सर्सिनेट वेनेशियन थालोइड बॉडी बर्ड्स ऑन लिप्स तो so फर्नस में रहता है सर्सिनेट वेनेशियन इसमें से अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट दैट इज सरसिनट वेनेशियन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टेरिडोफाइट्स इन विच स्पोरजियम डेवलॉप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल आर नोन एज व्हाट तो ऐसा टेरिडोफाइट्स जहाँ पे स्पोरजियम डेवलप होगा एक सिंगल इनिशियल सेल से उसको क्या बोलते हैं तो उनको बोलते हैं लेप्टोस्पुरानजिएट्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए लेप्टो स्पुरजियड्स इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलो जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव को क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं एल टेरिडोफाइट एंड करेंगे ब्रायोफाइट तीनों क्लास को एक ही क्लास तीनों क्लास को एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज लैमिनरियन एंड मैनीटॉल आर द रिजॉर्व फूड ऑफ फोर्ट फुड़। देखो फिर बात आ गई एल की क्लासेस की लैमिनारियन एंड मैनीटोल कौन से क्लास की रिजर्व फूड है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फेओफाइसी दैट इज द ब्राउन आलजी सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन फार्म यंग लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट तो फर्न में यंग लीव्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं कौन से स्ट्रक्चर की वजह से इंडुसियम रामेंटा सोराई और राइजोम तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामेंटा ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कैराजेरिन अ लाइक सब्सटेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम मेराइन एल नोन एज वॉट ओके सो कैराजिन एक जेली लाइक सब्सटेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कि मेराइन एल्जी से तो वो मेराइन एल कौन सा वाला है ऑप्शन में से कैल्फ फ्लाजिलेटेट्स इरिसमॉस और डायटम्स तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कैल्फ ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल जी मीन्स बीजीए और सियानोफाइसी की बात कर रहा है, इनमें से क्या उसमें रहता है जो कि ऑप्शन में हम लोग को दिया है क्राइसिन सियानोफाइसिन, स्टार्च स्टार्च और सेल्यूलोज़, तो वहाँ पे रहेगा सियानोफाइसिन स्टार्च ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कितना इजी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर अगर इज ऑप्टेंड फ्रॉम यहाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया अगर अगर इज ऑप्टेंड फ्रॉम फोर्ट ओके सो अगर अगर इनमें से कहाँ में से ऑप्टेंड किया जाता है अल्वा यूलोथ्रिक्स सार्गसम और जेलीडियम पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज जेलीडियम ओके okay. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी द लार्जेस्ट एल इज वट देखो लार्जेस्ट एडोफाइट हमने अभी अभी डिस्कशन किया अभी बात आ गया लार्जेस्ट एल की तो यहाँ पे ऑप्शन को देखो तो अल्वा कैरा माइक्रोसिस्टिस माइक्रोसिस्टिस तो क्या होगा आंसर आंसर हो जाएगा माइक्रोसिस्टिस दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑल एल जी हैव वट ओके सो एल जी जितने भी होते हैं ऑल एल जी देखो यहाँ पे लिखा है ऑल एल जी उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनमें क्लोरोफिल ए एंड बी रहता है या क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनोड रहता है या क्लोरोफिल ए एंड कैरेटिनॉयड रहता है और फाइकोबिलिस्स और कैरोटिनोड रहता है तो क्या होगा आंसर देखो ऑल एल जी मीन्स वट क्लोरोफिल उनमें होंगे ही होंगे ठीक है ये पक्का है कि क्लोरोफिल उनमें रहता है बट क्लोरोफिल फिर तीनों ऑप्शन में क्लोरोफिल दिया है बी नहीं रहता है ठीक है क्लोरोफिल ए रहेगा क्लोरोफिल ए एंड कैरेटिनोड सो ही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी नो डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फ्यूकोज एंथिन अफिगमेंट फाउंड इन वेर ओके फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कहाँ पे रहता है कौन से क्लास की एलगी पे रहता है तो ये रहता है भाई ब्राउन एलगी दैट इज अ फे फेफाइसी फैमिली ओके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय हुम वाटर ब्लूम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज बाय हुम हाइड्रिला बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल और ग्रीन एल तो वाटर ब्लूम होता है ब्लू ग्रीन एल की वजह से दैट इज दियनोफाइसी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज वॉट ब्रायोफाइट्स को और क्या बोलते हैं वजकुलरक्रिप्टोग्स फ्लावरिंग प्लांट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स और नन ऑफ द तो इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है या नहीं क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस जल्दी से मुझे आंसर लिख लो तो बच्चों कमेंट सेक्शन पे कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं वाई चलो मैं वेट करें आप लोग के आंसर्स को एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच पार्ट ऑफ मॉस कैप्सूल हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ स्पोर्स ओके मॉस की कैप्सूल की बात कर रहा है कौन हेल्प करता है न्यूट्रिशन पे न्यूट्रिशन किसे देगा स्पोर को देगा तो वो स्ट्रक्चर क्या है कॉलूमेला थिका पेरिस्टोम और नन ऑफ दिस ओके सो हियर द आंसर विल बी कलूमेला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वन कैरेक्टर कॉमन टू ऑल टेरिडोफाइट व्हाट सारे टेरिडोफाइट्स में होते हैं क्या होते हैं प्रोटोस्टीली हेटेरोस्पोरी एब्सेंस ऑफ ओव्यूल्स और लेप्टोस्पोरजियड स्पोरजिया तो क्या होगा इसका आंसर एबसेंस ऑफ ओव्यूल ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज फाउंड इन फ्रेश वाटर मेराइन वाटर एंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स तो इनमें से क्या फ्रेश वाटर पे भी रहते हैं मेराइन वाटर पे भी रहते हैं और उनके साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे भी रहते हैं तो कौन है भाई वो लोग वो लोग हैं एल ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट प्लांट बॉडी ऑफ एल जी मे बी व्हाट ओके सो so, एल की प्लांट बॉडी वो यूनिसेलुला होगा या कोलोनियल होगा या फिलामेंटस होगा या तीनों के तीनों होगा ऑफ दी एवर तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि कभी कभी वो यूनिसेलुला रहते हैं कोई कोई स्पीशीज में वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं एंड कोई कोई में फिलामेंटस भी रहते हैं सो यदा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप राइजोइड्स लाइक रूट आर फाउंड कहाँ पे राइजोइड्स लाइक रूट होते हैं एल जी ब्रायोफाइट्स और सैनोफाइसी तो ये भी बहुत इजी वाला क्वेश्चन है राइजॉयड लाइक रूट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में ठीक है ना सो यह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लिप्स आर फाउंड देखो वर्ड को अच्छे से देखो ट्रू लिखा है यहाँ पे ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम एंड ट्रू लिप्स कौन से प्लांट के ग्रुप में होते हैं एल जी ब्राफाइट्स फंजाई और टेरिडो फाइट्स तो ये वाला होते हैं टेरीडो फाइट में है या नहीं क्योंकि टेरिडो फाइट में एकदम से वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लिप्स होते हैं सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हैप्पलॉयड प्लान्टॉडी इज डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ग्रुप ओके कहाँ पर हैप्लॉयड प्लांट बॉडी डोमिनेट रहते हैं जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है वहाँ पर दो पार्ट होते हैं वन इज योर है पोरोफाइटिक जनरेशन एंड अदर वन इज योर गैमेटोफाइटिक जनरेशन तो हेप्लॉयड प्लांट बॉडी कहाँ पर डोमिनेट होंगे एल जी टेरिडोफाइट्स ब्राफाइट्स और फंजाई तो ये होते हैं एल पे ठीक है यदा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ब्रायफाइट आर सोइंग टाइप ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो ब्रायोफाइट्स में कौन से टाइप की अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है ये कुछ अलग होता है एंड इसी वजह से ही ये बार बार क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे ऑप्शन नंबर इज हैपलोंटिक बीज डिप्लो हापलोंटिक सी इज़ हैप्लो डिप्लोंटिक और डी इज डिप्लोंटिक तो क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा हैप्पलोडिप्लोंटिक अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड आंसर्स को नोट no डाउन करते रहो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल और अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग देखो अभी अभी हमने बात किया कि ब्रायोफाइट्स में हैप्लो डिप्लॉन्टिक रहता है बट यहाँ पे बात कराए है? डिप्लो हैप्लोंटिक की देखो यही तो डिफरेंस है भाई यही होती है डिफरेंस इसका आंसर क्या होगा आल ब्रायोफाइट्स मोनेरा और टेरिडोफाइट्स तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडो फाइट्स अभी याद हो गया टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट डिप्लो आएगा ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट हैप्लो आएगा ठीक है इसी चीज़ को ही याद रखना है सारे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट तो तीनों में कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा वाला होता है फ्रैगमेंटेशन बल्बिल्स बर्डिंग या एडवेंटेटियस ब्रांचिंग तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रैगमेंटेशन यह एल पे भी होता है ब्रायोफाइट्स पे भी होता है एंड टेरिडोफाइट्स पे भी होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लाजिलेटेड जोस पोर इज कॉमन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास ओके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जुअस पर यही है बात यहाँ पे फ्लैजिलेटेड जुअर्स पर ये कहाँ पे होता है ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एल और टेरिडोफाइट्स ये होता है एल पे ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय वू गैमस टाइप ओके तो वो गैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है वो होता है कहां पे होगा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंथ्रेडियम एंड आर्कीगोनियम फर्स्ट आकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप तो एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम ये दोनों फर्स्ट कहां पे आए थे ओके okay. हमने कहाँ पढ़ा था फर्स्ट टाइम हमने एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम कहाँ पे पढ़ा था अल्जी टेडोफाइट ब्रायोफाइट्स और जिमनोसपम तो हमने इसे पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में है या नहीं याद है तो थोड़ा थोड़ा अगर याद है कंसेप्ट तो अभी हम लोग जो एम सी की कर रहे हैं पूरा याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एइट हेटेरोपोरी इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हेटेरोसपोरी मेन कैरेक्टर किसकी है टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स या एंजियोस्पर्म या अलजी तो ये होता है बेटा टेरिडोफाइट्स की क्योंकि ये दो तरह के स्पोर फॉर्म करते हैं वन इज योर माइक्रोस्पोर अनदर वन इज योर मेगास्पोर चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन को जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ओके सो कहाँ पे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स मीन्स वॉट देखो तुम लोग अभी जो विंटर सीजन पे जैकेट पहनते हो ना तो वो एक कवर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ठीक है सेक्स ऑर्गेन्स की कवर लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको उसके इसीलिए उन्हें बोलते हैं जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन तो ये कहाँ पे होगा अच्छे से देखो ऑप्शंस को ये बेटा टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं एंड ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं एल पे हमेशा नॉन जैकेटेड रहते हैं ठीक है सो बी एंड सी तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे बोथ बी एंड सी आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप प्रोड्यूस प्रोथैलस आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर किसकी बात कर रहा है प्रोथैलस की बात करें तो ये कौन प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेरिडोफाइड क्लास एंड देखो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस करो क्योंकि ये जो प्लान डाइवर्सिटी वाला टॉपिक रहता है ना इसके अंदर एल जी फंजाई टेडोफाइड ब्रायफाइड जिम्नोसपम ये सारे को पढ़ के जाने के बाद एग्जाम पर बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है मेरे खुद का एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एल फंजाइट एडोफाइट जिम्नोस्पर्म ये सारे के बीच बिल्कुल भी आ, मतलब कनेक्शन मत लाओ ईच एंड इंडिविजुअल को अच्छे से देख के जाओ ठीक है देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन को रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ नेसेसरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से ग्रुप है जिसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे उन्हें वाटर चाहिए ही चाहिए ठीक है विदाउट वाटर वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे वो लोग हैं ब्र दैट आर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस स्टेज ऑफ प्लांट साइकिल कहाँ पे जाइगोट उसके प्रीवियस स्टेज पर डिपेंडेंट नहीं रहता है एल ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म इसके आंसर हो जाएगा एल दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड डिवाइडेड इनटू टू फूट सेटा एंड कैप्सूल द प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट ओके तो कहाँ पे हमारा जो स्पोरोफाइट है वो फूट सेटा एंड कैप्सुल डिवाइड होके रहता है कौन से प्लांट ग्रुप पे एल जी फंजाई ब्रायोफाइट कहाँ पे होगा वो होता है ब्रायोफाइट्स में सो ही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी बाई द फॉर्मेशन ऑफ जाइोट टेरिडो फाइट रिमेन्स इन देअर वो सोगोड फॉर्मेशन होने पर टेरिडो फाइट कौन से स्टेज पे रहते हैं डिप्लॉयड या नन ऑफ दब तो वो रहते हैं डिप्लॉयड स्टेज पे है या नहीं जायोड फॉर्मेशन हो गया अब कौन सा वाला स्टेज होगा डिप्लॉयड सो ये दा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच ऑफ द प्लांट ग्रुप इज इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली वर्ल्ड को देखो इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रुप कौन सा वाला है एल है या नहीं एल जी की बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है सो यदा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ फॉसिल रेक द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स आर वर्ट तो फॉसिल रेकर्ड के हिसाब से फर्स्ट वस्कुलर प्लांट क्या है साइकर्ड्स लाइकोपसीडा साइलोफाइटल्स क्या होते हैं द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइट्स ऑकर्स व्हेन? कब रिडक्शन डिवीज़न होता है इज़ फॉर्म्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड सेक्स ऑर्गेनर फॉर्म्ड गैमेट्स आर फॉर्म्ड कब होगा रिडक्शन डिवीजन थोड़ा दिमाग में जोर डालो स्पोर आर फॉर्म जब स्पोर को फॉर्म होना रहता है तब रिडक्शन डिवीजन होता है फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन लीवर वर्ड्स आर क्लोज रिलेटेड टू वर्ड देखो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट पे किया था लीवर वर्ड्स ये किसके साथ एसोसिएटेड होंगे एल जी फंजा और मॉसेस ये एसोसिएटेड रहते हैं मॉसेस दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन लैमिनरियन इज एन एनर्जी स्टोरेज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉट सो लेमिनरियन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यह रहता है फेओफाइटा दैट आर द ब्राउन एलजी ओके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एंडोथेसियम डिवाइडेड टू फॉर्म वॉट तो एंडोथेसियम की डिवीजन होता है तो क्या फॉर्म होता है कॉल्यूमेला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कॉल्यूमेला ओके सो so, यहाँ तक हमने 60 क्वेश्चन को कवर अप किया टॉपिक था एल ब्रायोफाइट एंड टेरडोफाइट नेक्स्ट क्लास पे फंजाई देखेंगे लाइकेन देखेंगे ठीक है सो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी फंजाई एंड लाइकेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एम तब तक आप लोगों को और जितनी भी क्वेश्चंस जा रहा है चैनल पे सारे को अटेंड करना होगा एंड प्रीवियस ईयर का भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 2020 का क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन है ओके okay. सो so, वो सारे को भी देखो एंड अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो उसनेम्स बायोलॉजी चैनल को डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अवर फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय थैंक यू